कि मरने के बाद क्या होता, आधे अधूरे कर्म इधर करे, फिर आके जो कर्म बच गए वो वापिस करने आया। शमशान तक कौन जाता है? फ्रेंड्स जाएंगे, तुम्हारे लोग जाएंगे साथ में, लेकिन साथ में कौन जाता है? तुम्हारे कर्म, तुम्हारे संस्कार। कल एक बच्चा पैदा होता है, मोक्ष चाहते हैं। आज मेरा भी पर्सनल एक यही है कि बस अब वापस नहीं आना। ऐसा है कि हाँ, बस मेरा हो गया। अरे गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। गृहस्थ आश्रम में से निकल के ही आप जा रहे हो, इससे बड़ी बात क्या है? क्या नहीं सहा आपने गृहस्थ आश्रम में? हाँ, एंड की तरफ हम पहुंचते हैं कि हमने सारी सारी प्रॉब्लम्स देख ली, समझ ली। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों का है कि मरने के बाद क्या होता है, क्या बताया गया है भगवान? मरने के बाद अगर हमें कोई सत्पुरुष नहीं मिलता है, तब तक हम मरने के बाद, फिर हमारा मरण नहीं, हम वापिस आ ही रहे हैं, हम मरे नहीं हैं। एक सत्पुरुष मिलने से हमें गीता का ज्ञान जब समझ आया है, तो उसके बाद हमारा जन्म क्या होता है? मोक्ष। हम मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं, आवागमन खत्म हो जाता है। नहीं तो मरने के बाद जैसे इंसान गया वो वापस आ गया, उसको पता ही नहीं था। आधे अधूरे कर्म इधर करे, फिर आके जो कर्म बच गए वो वापस करने आया। शमशान तक कौन जाता है? फ्रेंड्स जाएंगे, तुम्हारे लोग जाएंगे साथ में, लेकिन साथ में कौन जाता है? तुम्हारे कर्म, तुम्हारे संस्कार। कल एक बच्चा पैदा होता है, वो जिद्दी भी है तो ऐसा भी, गुस्से वाला भी है। इट मीन्स उसने, उसको कोई मिला ही नहीं था उसके संस्कार ठीक करने के लिए, उन्हीं संस्कारों से वो वापस पैदा हुआ। कंजूस है तो बच्चा देखना, छोटा बच्चा भी सबको बांट के नहीं खाएगा। इट मीन्स व्हाट काइंड ऑफ लाइफ ही लिव्ड बिफोर। और ये सिवाय गुरु के आपको कोई बता नहीं है? या तो पेरेंट्स, जितना जगोगे, यस, या तो पेरेंट्स, पेरेंट्स के भी गुरु होते हैं जी। पेरेंट्स जैसे गुरु होते हैं, तो फिर अंदर में बच्चा भी वैसा ही पवित्र पैदा होता है। कईयों के बाद में होते हैं गुरु बन जाते हैं, कईयों के पहले से अगर गुरु हैं तो उनके बच्चे देखो कैसे होते हैं। जो मोक्ष चाहते हैं, आज मेरा भी पर्सनल एक यही है कि बस अब वापस नहीं आना। ऐसा है कि हाँ, बस मेरा हो गया। टेल मी, तो बताइए ऐसा क्या? टुडे आई एम ऑनर्ड टू कम हियर, रियली नॉट फॉर योर पॉडकास्ट, फॉर यू। नहीं नहीं नहीं, टू मीट यू इफ यू फील इन दिस यंग एज दैट यू आर फीलिंग दैट यू आर फुल फ्लेज्ड। दिस इज व्हाट आई बेसिकली वांट। अब हाउ विल आई बी एबल टू डू इट, वो एक बार। और मेरे साथ साथ जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों का एक माइंड सेट है कि बस अब हो गया, अब इसके बाद वापस नहीं। इसके पास जितने ऑनेस्टी से पहले भी चले होंगे तभी आपके अंदर ये ख्याल आ रहे हैं। एज लॉन्ग यू आर हियर, बी ए गुड ऑनेस्ट गुड ह्यूमन बीइंग, और जितना हो सकता है हमारे से हम दूसरों को ज्ञान दान बहुत बड़ा दान है। दूसरा तो ठीक है, भूखे को अनाज दे दोगे दोगे, लोगों को आप ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे वो परमानेंट शांति पाए। परमानेंट शांति, एंड उससे आपकी आत्मा को शांति मिले। यस, it's a beautiful thing you told me. I'm really feeling happy to see you today. That's so sweet. It's not that podcast is not important. I'm feeling ki main aise aise logon ko mil rahi hu, 3-4 pehle bhi mili hu, around 30-35 ke kareeb hi. And again today surprise for me, you are saying ki moksh kaise paun main. Haan ji. Abhi family life mein nahi gaye ho, udhar nahi gaye ho. Matlab even family life. Maybe you have completed those things and today in young age you are feeling like this. Even in family life rehke bhi aap wo moksh ke dwar tak ja sakte hain. Are grihastha ashram sabse bada ashram hai. गृहस्थ आश्रम में से निकल के ही आप जा रहे हो, इससे बड़ी बात क्या है? क्या नहीं सहा आपने गृहस्थ आश्रम में? अकेले छोड़ के चले जाना, वहाँ यू आर फ्री, यू आर मे बी यू हैव कम्प्लीटेड योर कर्मा, से आपको नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन गृहस्थ में लोग कितना, जिन्होंने घर जोड़े हैं, धर्म पे चले हैं, इससे बड़ी बात क्या है? परमात्मा बोलते हैं गृहस्थ आश्रम से ही साधु लोग चलते हैं। साधु लोग कैसे चलेंगे, भिक्षा कहाँ से खाएंगे? तो गृहस्थ आश्रम, चारों आश्रम में से गृहस्थ आश्रम को बहुत महान माना गया है। उसी में से तो निकले हैं सारे। लॉर्ड कृष्णा कहाँ से निकले? राजा जनक जो अष्टावक्र गीता बनी है वो कैसे बनी है? और सबको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर गीता में मन नहीं लगता है आपको पढ़ने में, गीता के महात्म की मिलती है किताब। गीता ऐसी मिलती है, पहले गीता का अध्याय है, उसके साथ में महात्म है, वो सब बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आएगा। कितने ऐसे चैप्टर हैं गीता के, 13वां, 14वां, 15वां, किसी को भी उन्होंने ऐसे ही पानी डाला और उसको गति मिल गई। एक गीता के पढ़ने के बाद जो पानी रखा था उसने पानी से डाला और उसको गोलोक में, जब ब्रह्म लोक में चला गया वो, शिव इसमें विष्णु लोक में। तो गीता को मत छोड़िए, यही हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है। उसके बाद में और गीताएं आपको साथ साथ में जुड़ी जाएंगी, आप पढ़िए। तो गीता गिव्स अस लाइफ।